नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कभी कभी क्या रहता है कि जब कोई घर बनाता है तो उनको प्लान के हिसाब से, बिल्डर के हिसाब से, या फिर उधर का जो भी उनका प्लान है उसके हिसाब से उनको रूम्स एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो भी रूम का साइज है, क्या है, उनको उतना मालूम नहीं रहता। तो अंदर जाने के बाद उसको वो बाद में देखते हैं, रूम छोटा है, रूम बड़ा है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हर रूम का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, कि किचन कितना साइज का होना चाहिए, बेडरूम कितना साइज का होना चाहिए, हॉल कितना साइज का होना चाहिए। कभी कभी आप रीडेवलपमेंट भी करते हो तो रीडेवलपमेंट में भी आपको जो रूम है वो स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से बनाना होता है। तो वो स्टैंडर्ड रूम के साइज क्या क्या है उसके बारे में हम आज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद सबसे पहले हॉल या फिर लिविंग रूम, इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बीतता है। इसमें सोफा सेट, टीवी वगैरह इसका अरेंजमेंट रहता है। इसका स्टैंडर्ड साइज है 14 फीट बाय 16 फीट। अगर एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसका स्मॉलर साइज है 10 फीट बाय 12 फीट। अगर मीडियम साइज अगर देखना है तो मीडियम साइज है 12 फीट बाय 14 फीट। अगर लार्ज साइज आपके पास एरिया अवेलेबल है तो उसका है 16 फीट बाय 20 फीट। हॉल के बाद दूसरा आता है किचन। किचन में से अभी किचन में आपका पूरा किचन होता, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, ये सब का अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से इसका रूम देखेंगे। अभी अगर आपको सिर्फ किचन है, कुकिंग करना है, तो उसका स्टैंडर्ड साइज है 8 फीट बाय 10 फीट। अगर डाइनिंग रूम साथ में चाहिए तो उसका साइज होता है 10 फीट बाय 12 फीट। कभी कभी किचन डाइनिंग इकट्ठा होता है या फिर किचन डाइनिंग अलग अलग भी होता है। तो अभी हम इसके साइज अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो स्मॉल साइज है उसका 10 फीट बाय 7 फीट, मीडियम साइज है 10 फीट बाय 10 फीट और लार्ज साइज 10 फीट बाय 12 फीट। इसके बाद हम देखेंगे अगर डाइनिंग रूम अगर सेपरेट दिया है तो डाइनिंग रूम का डायमेंशन मिनिमम 10 फीट बाय 10 फीट होना चाहिए। जैसे कि टेबल का अरेंजमेंट हो सके, कुछ लोग आराम से उसमें बैठ के खाना खा सके। आजकल के घर में पूजा रूम सेपरेट बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। सब जगह किचन में ही कहीं एक जगह पे वो पूजा रूम बना के सब लोग पूजा वगैरह करते हैं। अगर पूजा रूम आपको प्रोवाइड करना है तो उसका दो साइज है, एक तो 4 फीट बाय 5 फीट का या फिर 4 फीट बाय 6 फीट का एक स्टैंडर्ड पूजा रूम बना सकते हैं। बेडरूम, अभी बेडरूम में एक चिल्ड्रंस बेडरूम और मास्टर बेडरूम, दो टाइप के बेडरूम आते हैं। मास्टर बेडरूम जनरली अटैच टॉयलेट रहता है तो इसलिए उसका साइज बड़ा रहता है। अभी इसका स्टैंडर्ड साइज देखेंगे तो 10 फीट बाय 12 फीट है अगर वो चिल्ड्रंस बेडरूम है। तो अगर मास्टर्स बेडरूम है तो उसका साइज रहेगा 12 फीट बाय 14 फीट। अभी हम फिर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो स्मॉल में देखेंगे तो 10 फीट बाय 10 फीट, मीडियम साइज अगर देखेंगे तो 10 फीट बाय 12 फीट, अगर लार्ज साइज देखना है तो 12 फीट बाय 14 फीट। इस हिसाब से बेडरूम का साइज है। तो बेडरूम में मेन ये देखना है कि मास्टर्स बेडरूम में अटैच टॉयलेट होता है इसलिए उसका रूम साइज बड़ा होता है। उसके बाद हम देखेंगे बाथरूम। भाई बाथरूम भी ज़्यादातर घरों में बाथरूम कैसा पहले सेपरेट होता था, जैसे टॉयलेट अलग, बाथरूम अलग। लेकिन बहुत सारे फ्लैट में आजकल नए इसमें देखता है कि देखना मिल रहा है कि टॉयलेट और बाथरूम इकट्ठा किए गए थे। जैसे वो अटैच में भी रहते हैं या फिर कॉमन में भी रहते तो भी इकट्ठा ही रहते हैं, तो उसके हिसाब से उसका साइज वेरी होता है। अगर ये टॉयलेट और बाथरूम इकट्ठा है तो उसका स्टैंडर्ड साइज है 4 फीट बाय 7 फीट। और अगर ये सेपरेट है, जैसे टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बाथरूम का साइज मिनिमम साइज, स्मॉल साइज जैसे बोल सकते हैं, वो 3.5 फीट बाय 4 फीट है। उसके बाद मीडियम साइज अगर देखें तो 4 फीट बाय 6 फीट और लार्ज साइज अगर देख रहे हैं तो 5 फीट बाय 7 फीट रहता है। अगर टॉयलेट अगर वो सेपरेट है तो टॉयलेट का साइज है 3.5 फीट बाय 3 फीट जैसे, और बड़ा साइज अगर है तो 4 फीट बाय 4 फीट। तो इस हिसाब से ये टॉयलेट और बाथरूम अगर अलग अलग रहेंगे तो ये साइज होता है। उसके बाद हम अगर देखेंगे आगे, अगर कार पार्किंग है, अगर सिंगल कार पार्किंग है तो उसका एक साइज रहता है स्टैंडर्ड साइज, जैसे 11 फीट बाय 15 फीट या फिर थोड़ा लार्जर देखेंगे तो 12 फीट बाय 16 फीट। तो ये सब साइज जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज है और आपके एरिया के हिसाब से स्मॉलर साइज, मीडियम साइज और लार्जर साइज, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका प्लॉट एरिया कितना है, आपका कंस्ट्रक्शन कितना है, उसमें आप
कैसे इसे रूम्स को बढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये रूम का स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है, ये इसको आप अप्लाई करके अपना घर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना आज का वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।